सबका दाता है तू, काम आता है तू, सबका दाता है तू, काम आता है तू, मेरे मालिक ये इज्जत तेरे हाथ में, मेरे मालिक ये इज्जत तेरे हाथ में, सबका दाता है तू, काम आता है तू, सबका दाता है तू, काम आता है तू। अरे तुम जो मारे उसे कोई जिलाएगा क्या, तुम जो मारे उसे कोई जिलाएगा क्या, और तुम बिगाड़े उसे कोई बनाएगा क्या। जिंदगी मौत सब तेरे हाथों में, जिंदगी मौत सब तेरे हाथों में है, है जहां की हुकूमत तेरे हाथ में, है जहां की हुकूमत तेरे हाथ में, सबका दाता है तू, काम आता है तू, सबका दाता है तू, काम आता है तू, काम। महाराज यहाँ का कर रहे हैं बैठ के, यहाँ इसे जुगाली करने से कुछ नहीं होगा, अंदर चलिए, महाराज खुले हाथों से बांट रहे हैं, ऊपर वाला आके कुछ नहीं देगा, चलिए महाराज के पास। अरे बचवा कैसी बात कर रहे हो, अरे ऊपर वाले की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अरे महाराज यहाँ के ऊपर वाले और नीचे वाले सब महाराज ही हैं, जो दे रहे हैं ले लीजिए, नहीं तो पत्ते ही खाते दिन गुजरेगा आपका। अरे ऐसे कैसी बात बोल रहे हो। अरे चलिए हम भी चल रहे हैं महाराज के पास, खुले हाथों से बांटेंगे महाराज, चलिए। अच्छा चलो, शायद प्रभु की आज यही इच्छा है, देखें आज मेरे हिस्से में क्या लिखा है भगवान ने। लगता है भगवान पे बहुत विश्वास है आपको। अरे अब हम का कहें तुमको, चलो महाराज से मिल लेते हैं। मधुरता माखा शमोराए योशे, मधुरता माखा शमोराए ओशे, मधुरता माखा शमोराए। सुनो सुनो सुनो, राज बराहन के महामंत्री श्री सपेड़न प्रसाद हाजिर हो रहे हैं। सपेड़न प्रसाद की जय, सपेड़न प्रसाद की जय। नमस्कार, उपस्थित सभी सभासदों को, सभी आगंतुकों को और सभी इच्छुकों को, भिक्षुकों को और साधु जन को समस्त राज्य की तरफ से नमस्कार। अभी हमारे बीच हमारे महाराज उपस्थित होंगे, आप सबसे निवेदन है कि आप उनके आदर में अपने स्थान पर खड़े होकर सर झुका लें। महाराज जब सिंहासन पर विराज जाएंगे, सबको योग्यता के आधार पर दान दिया जाएगा। आप सभी से निवेदन है आप कतारबद्ध हो जाएं, और जब आपको दान मिले तो आप महाराज के सामने सर झुकाकर उनकी इच्छा के अनुसार उनकी जय जयकार करते हुए आदर पूर्वक बाहर प्रस्थान करें। कोई भी उनका धन्यवाद दिए बगैर ना जाए, ये राज्य का अनादर माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखा जाए। नमस्कार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। शांति, आप सब शांत हो जाइए। जी हाँ, आप सब शांत होकर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, और जितने भी इच्छुक हैं, जितने भी भिक्षुक हैं, जिन्हें दान लेना हो वो कृपया कतारबद्ध हो जाएं। आइए आइए, इधर आइए। ए भैया आप भी थोड़ा बाएं आइए, बाएं आइए। अरे अरे सिपाही जी थोड़ा देखिए, ध्यान से, थोड़ी सभा की इज्जत रखिए। महाराज आज कुल 11,787 दान लेने के लिए लोग आए हैं। अच्छा है, सबको मिलेगा। जी सबको मिलेगा। आइए आइए, आप अपनी समस्या बताइए। वहाँ क्या समस्या है तुम्हारी? बस घर में भोजन नहीं है। आवाज से तो बुलंद लग रहे हो, भोजन नहीं है। अरे अरे मंत्री जी रहने दीजिए, छोड़िए, इन्हें 7 दिन का अनाज दिया जाए। जी महाराज, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, चलो जी लो लो जाओ। और इस तरह से लोग आते गए, महाराज दान देते गए, और मंत्री जी हर दान लेने वाले को ये बात याद कराना नहीं भूलते थे कि महाराज की जय और उनके सामने सर झुका कर जाए। महाराजा बहुत दयालु है,
महाराज आप बहुत दयालु हैं। आपकी कृपा से हमें भोजन प्राप्त हो रहा है। इस विकट परिस्थिति में आपने जो दान दिया है, आपने जो भोजन दिया है, उससे हमारा घर भूख से लड़ने में सक्षम हुआ है। आप हमारे ईश्वर हैं, आप ही धरती पर परमेश्वर हैं। आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो। सही बात है जी महाराज, सही बात है महाराज। बस ये दो लोग बच गए हैं। बुलाओ बुलाओ, उन्हें भी बुलाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ हाँ बोलो, क्या समस्या है तुम्हारी? महाराज आप तो प्रभु हैं, आपको आपसे समस्या क्या छुपी हुई है महाराज? आप जो दान दे देंगे हम वो ले लेंगे। लो ये रखो फिर, और ये कौन है तुम्हारे साथ? महाराज हम भी एक भिक्षुक ही हैं। आज ईश्वर की कृपा से, उनकी इच्छा से आपके दरबार में हैं। आपकी जो इच्छा में हो हमें दे दें। ईश्वर की कृपा से? ये क्या बकवास कर रहे हो? ईश्वर की कृपा से नहीं, महाराज की कृपा से। अरे ईश्वर की कृपा से ही तो महाराज के मन में ये बात उठी, उन्हें इस विकट परिस्थिति में लोगों की मदद करनी चाहिए। अरे कैसा आदमी है तू, महाराज से पैसा ले रहा है, थैंक यू ईश्वर को बोल रहा है। वो ईश्वर नहीं, यही महाराज है भगवान, इनकी जय करो और आगे बढ़ो। मंत्री जी सही बोल रहे हैं, हमारी जय जयकार करो, प्रभु की नहीं। ये तो हमसे नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, अगर आपको दान देने की इच्छा हो तो आप दीजिए, और प्रभु की इच्छा होगी तो मैं आज दान लेकर जाऊंगा, अन्यथा जो प्रभु की इच्छा। मेरे दर से कभी कोई भूखा नहीं जाता, ये लो भर पेट भोजन करो। देखिए प्रभु की इच्छा महाराज, इसे ही प्रभु की कृपा कहते हैं। सुबह से भोजन नहीं था और आज ऊपर वाले की इच्छा से मुझे भर पेट भोजन प्राप्त हो रहा है। बकवास बंद करो, भोजन लो और चलो यहाँ से जाओ। प्रभु तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। हे प्रभु तुम्हारा बहुत धन्यवाद। महाराज बहुत ढीठ आदमी है, ले आपसे रहा है, खाना आपका खा रहा है और धन्यवाद प्रभु प्रभु को दिए जा रहा है। क्या प्रभु आके बांट रहे हैं? यहाँ तो आप ही बांट रहे हैं, एकदम बंजर मूर्ख है ये आदमी। कल कहाँ जाएगा, कल फिर आएगा हमारे ही पास। चलिए महाराज फिर से दान कर रहे हैं, चलिए। तुम जाओ भैया, महाराज को हम थोड़ा पसंद नहीं आते। अरे पसंद क्या नहीं आते, आप ही तो महाराज को उस दिन गुस्सा दिला दिए थे। अरे गुस्सा की क्या बात है भैया, जो सच था वही तो कहे। अरे पूरी दुनिया का मालिक तो एक ही है, अब वो मालिक के अलावा हम किसी और मालिक के सामने सर तो नहीं झुका सकते। अरे जब उसकी इच्छा होगी तो बंदे का पेट भी भरेगा और बंदे का दिन भी चलेगा। बस यही ज्ञान के चक्कर में आप भूखे रह जाते हैं। चलिए चलिए महाराज बांट, चलिए। अरे नहीं, हमसे ना हो पाएगा आज। अरे चलिए, हो सकता है शायद यही आपके भगवान की इच्छा हो, चलिए उठिए चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको चलते हैं, लेकिन बात की जिम्मेदारी आपकी। अगर महाराज को फिर गुस्सा आया तो मेरा इसे कोई लेना देना नहीं, हमसे झूठ ना होगा, हम अपने मालिक को छोड़कर किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अच्छा चलिए, आपका वाला भी हम ही झुका लेंगे, चलिए आप। बहुत जिद्दी हो तुम। तो आप कोनो कम है का? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे तुम दोनों फिर से आ गए, और महाराज आपके प्रभु ने आपको कुछ नहीं दिया?
अरे मेरे प्रभु ने तो पूरी सृष्टि दे रखी है मुझे, और उससे क्या ही मांगू। तो यहाँ क्या लेने आए हैं? मैं कुछ लेने नहीं आया, ये तो इस पगले ने जिद कर दिया था, ने कहा कि शायद भगवान की ही इच्छा होगी मेरा यहाँ आना। बार बार हमारा और आपका मिलना प्रभु की ही इच्छा है, लगता है कुछ अच्छा ही होने वाला है। यहाँ के प्रभु हम हैं। अच्छा चलिए, आप आए हैं तो भोजन करते हुए जाइएगा, एक मिनट रुकिएगा। महाराज एक मिनट सुनिए ना। क्या हुआ मंत्री जी? महाराज इसको इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, इसको आज बताना पड़ेगा कि यहाँ के भगवान कौन है। अरे ये कैसे करेंगे? महाराज मेरे पास एक उपाय है। क्या है बताइए। महाराज आज आप इनको ना राजमार्ग से वापस जाने बोलिएगा, जहाँ पे कालीन बिछा है मैंने वहीं पर एक घड़े में चांदी के सिक्के रख दिए हैं। पहले आप ये लड़कवा को भेजिएगा, ये लड़का को चांदी का सिक्का मिल जाएगा, फिर ही बुढ़ऊ को भेजिएगा। अब उनको बोलिएगा देखिए शायद प्रभु जी आपके लिए कुछ रखे होंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि प्रभु को मानने वाले को क्या मिला और आपके मानने वाले को क्या मिला। तो उपाय तो बहुत ही अच्छा है मंत्री जी, रुकिए अभी मैं बोलता हूँ। ए लड़के इधर आओ। जी महाराज। आज हम तुमसे बहुत खुश हैं, ये अनाज की बोरी लो और राजपथ से अपने घर वापस लौटो। प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं, इतनी बड़ी कृपा मुझ पे? आप महान हैं प्रभु, आप सर्वेश्वर हैं। ठीक है जाओ। आइए बाबा अब आप भी आइए। ये लीजिए आप भी भोजन करिए और उसी रास्ते से घर वापस जाइए, और कल आइएगा जरूर। कल क्या करने जाएंगे महाराज? बस समझ लीजिए आपको आना है, प्रभु की इच्छा है आपकी। महाराज अब उसको समझ में आएगा, कल जब लड़कवा को मिलेगा चांदी का सिक्का और इनको मिलेगा ठन ठन गोपाल, तब पता चलेगा कि प्रभु देते हैं कि महाराज देते हैं। जाओ बेटा जाओ। अरे वाह कालीन बिछा हुआ राजपथ, सड़क पे कालीन बिछा हुआ है, कितनी कोमल है ये। अरे इस पर तो मैं अपनी आंखें बंद करके चला जा। इतना आनंद आ रहा है इस कालीन पर चलने में। वाह महाराज की जय, अद्भुत बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस पे चलने में। ভালোবাসো কিনা জানি না, জানি শুধু সঙ্গে থাকো, ব্যথা বুঝো কিনা বুঝি না, জানি মোরে মর্মে ডাকো, জানি শুধু সঙ্গে থাকো, ভালোবাসো কিনা জানি না, জানি শুধু সঙ্গে থাকো। ये क्या है, ये घड़े में क्या है? अरे सिक्के, अरे लगता है आज प्रभु ने मेरी दरिद्रता दूर करने की सोच ही ली। प्रभु तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार। और इस तरह से फकीर को 100 चांदी के सिक्के मिल गए, और राजा ने बुलाया था तो फिर दूसरे दिन दरबार में जाना ही था, तो ले चलते हैं आपको दरबार में देखने के लिए कि दूसरे दिन क्या हुआ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे क्या हाल चाल है लड़के तुम्हारे? महाराज कल तो बहुत ही मजा आ गया महाराज, 5 मिनट में घर पहुंच गए महाराज, का रोड था महाराज, एकदम कालीन बिछा हुआ था रोड पर। अच्छा 5 मिनट में ही घर पहुंच गए,
और बताओ, कुछ मिला या नहीं मिला रास्ते में? मतलब महाराज, हम तो सड़सड़ा के घर पहुंच गए डायरेक्ट। रास्ते में कुछ नहीं देखे? महाराज देखते कैसे, इतना सुंदर रोड में कालीन बिछा था, हम तो आंख बंद करके चल गए। अरे कैसा बेवकूफ आदमी है, आंख बंद करके रोड में कोई चलता है? अरे हम लोग गरीब आदमी है ना महाराज, तो कभी कालीन फील नहीं किए थे, देखे नहीं थे, तो आंख बंद करके एकदम फील करते हुए गए। सत्यानाश हो तेरा, अब इनसे पूछे इनको क्या मिला। महाराज कल प्रभु की तो कृपा मुझ पर असीम बरपी। मुझे एक घड़ा मिला, उसमें 100 चांदी के सिक्के मिले, मैंने जरूरत भर रख लिया और बाकी प्रभु को धन्यवाद देते हुए जरूरतमंदों में बांट दिया। क्या चांदी के सिक्के तुम्हें मिले? हाँ महाराज, वो तो मुझे ही मिले। अरे मंत्री जी इधर आइए। जी महाराज बोलिए। ये क्या हो रहा है, कोई दूसरा उपाय सोचिए। रुकिए महाराज, बस एक मिनट का समय दीजिए, हम अभी आते हैं उपाय लेकर। तरबूज। आप गए थे उपाय लाने और लेकर क्या आ रहे हैं ये तरबूज? और ये तरबूज बहुत खास है महाराज, आम तरबूज नहीं, इसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई हैं। आज अपने हाथ से दे दीजिएगा लड़के को और फिर देखते हैं इसकी किस्मत कैसे नहीं बदलती। उसको चांदी का उसका भगवान दिलाया है और इस लड़के का भगवान सोना का सिक्का दिलवाएगा इसको। ठीक कहते हो तुम। ए लड़के इधर आओ। जी महाराज। ये लो, आज तुम्हें फल मिला है। जी इसे संभाल के ले जाना, समझे? जी महाराज समझ गए। और कुछ महाराज? अरे कैसा आदमी है, सब बोले ना तरबूज को संभाल के रखना, और कुछ नहीं कल आना बताना क्या हुआ। जी महाराज, महाराज की जय हो। और आपके लिए हम क्या कर सकते हैं? महाराज मेरी जरूरत तो ऊपर वाला पूरा कर ही देता है, और अभी उसके दिए हुए चांदी के सिक्कों से मेरा गुजारा चल जाएगा, तब तक ये सूखा भी खत्म हो जाएगा, फिर मैं अपना चालन कर लूंगा महाराज, मुझे और लालच नहीं। आपको ईश्वर ने जो ऐसी सद्बुद्धि दी उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और आपने जो ये दान किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। आप सतपथ पर चले और प्रभु की कृपा आप पर बरसे, बस मेरी यही इच्छा है। धन्यवाद महाराज। बहुत हो गया बकवास, जाओ अब तुम यहाँ से, तुम और तुम्हारा प्रभु दोनों निकलो। महाराज आपसे एक निवेदन है, आप ऐसे ना कहें, आप अपनी बुद्धि पर जोर डालें और प्रभु की कृपा को पहचानें। प्रवचन नहीं, चलो जाओ यहाँ से। जो प्रभु की इच्छा। हे ऊपर वाले, मुझसे जो चाहे करवा ले, आखिर तेरे लिखे फसाने का ही तो किरदार है। भालो बाशो की ना जानी शुधु संगे थाको ব্যথা বুঝো কি না বুঝি না জানি মোরে মর্মে ডাকো জানি শুধু সঙ্গে থাকো ভালোবাসো কি না জানি না জানি শুধু সঙ্গে। গানমা বড়ি আচ্ছা গাতে হ্যায় আপ। মহারাজ কো তো পুরা এলার্জি হ্যায়। अब देखिए ना, आपके चक्कर में हमको एक तरबूज दे दिए हैं। बताइए तरबूज से 4 आदमी का पेट भरेगा। एक काम कीजिए, एक तरबूज आप रख लीजिए और हमको एक चांदी का सिक्का दे दीजिए। अरे ये तरबूज भी तुम रखो और ये चांदी का सिक्का भी तुम रखो। अरे नहीं नहीं, एक तरबूज लीजिए और चांदी का सिक्का, ये दोनों का चलते रहना चाहिए ना। आप चांदी का सिक्का हमको दे दीजिए, हम अनाज खरीद के चला लेंगे, तरबूज का हम क्या करेंगे, एको आदमी का पेट नहीं भरेगा इससे तो। अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा, ये लो चांदी का सिक्का, ये लीजिए तरबूज। प्रभु की जो इच्छा, आज लगता है मेरे किस्मत में तरबूज खाना लिखा है। हाँ जी खाइए तरबूज। तार मन जदि चाय सब किछु होए, धूली मय धरनीते, प्रभु की इच्छा के सामने मनुष्य की क्या बिसात। फकीर बाबा को स्वर्ण मुद्राएं मिल गईं, लेकिन ठहरे वो पक्के फकीर, स्वर्ण मुद्राएं लेकर पहुंच गए राज दरबार।
अरे तुम फिर यहाँ मुंह उठा के आ गया, अब क्या करना है? अब तो तुमको तरबूज मिल गया था। कैसा बात करते हैं मंत्री जी, एक वो तरबूज से आदमी का घर चलता है। अरे का भांग खाया है का रे? का क्या तरबूज का तुम सच बता रहे? तो क्या करेंगे तरबूज का, वो तो फकीर बाबा का दिल अच्छा था, तरबूज के बदले चांदी का सिक्का दिए हमको, तब चांदी का सिक्का दे करके हम अनाज खरीदे। अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता रे महाराज, हम का करे? अरे बेवकूफ, तरबूज काट के देखा था तू? काट के देखने से क्या हो जाता, तरबूज तो तरबूज था। अरे उसमें स्वर्ण मुद्राएं भर के दिए थे कि तेरी फकीरी दूर हो जाए और वो फकीर को सबक मिल जाए बेवकूफ। क्या जी? देखिए फकीर बाबा भी आ गए। क्या हुआ मंत्री जी, इतने परेशान क्यों हैं? ये लीजिए आपका तरबूज, मुझे इसकी क्या जरूरत, प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये राजकोष में ही जमा करा दीजिए। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, पूरा उठे हैं फकीर बाबा, हमको दे दीजिए। अरे अब क्या देंगे, जब दे रहे थे तो लिया नहीं था, अभी महाराज आ रहे हैं वही फैसला करेंगे। ये स्वर्ण मुद्राएं क्या हो गए, फकीर बाबा को मिलेगा, तुमको मिलेगा कि राजकोष में जाएगा? वैसे महाराज एक बार जो दान कर देते हैं वापिस लेते नहीं है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ, ये बहस किस बात की चल रही है? महाराज देखिए, कल जो तरबूज दिए थे बेवकूफ आदमी, ये फकीर को दे दिया, फकीर से वो चांदी का सिक्का ले लिया, सौदा कर लिया, अब तरबूज तो इनके पास है तो स्वर्ण मुद्राएं इनके हुई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका किस्मत बदलने की कितने प्रयास किए हमने, लेकिन ये ठहरा फक्कड़ का फक्कड़, और फकीर को देखिए उन्नति पे उन्नति किए जा रहा है। तो क्या हुआ, फकीर को स्वर्ण मुद्राएं मिले हैं, इन्हें विदा करे? नहीं महाराज, ये स्वर्ण मुद्राएं मैं नहीं रख सकता, ये मेरे लिए उचित नहीं, लालच मुझे कहीं लेकर नहीं जाता, मुझे भौतिक सुख नहीं चाहिए, दो समय की रोटी मिल जाती है और प्रभु को याद करते हुए मेरा जीवन सुखमय बीत रहा है, इतने धन का मैं क्या करूंगा, इसे आप राजकोष में जमा कर लीजिए और प्रभु की इच्छा से मेरा पूरा जीवन सुखमय होगा। फकीर, आपके इस अटूट विश्वास ने मुझे भी मजबूर कर दिया है उस ईश्वर को मानने पर। इस लड़के की किस्मत बदलने का हमने कितना प्रयास किया पर कुछ भी संभव नहीं हो सका। महाराज, हमारा मालिक सब पे कृपा करता है, चाहे वो महाराज हो या निरीह प्रजा, आप पर तो प्रभु की इच्छा बहुत पहले से है, बस आपको अपने मन से इसे मान लेना है, अपने कर्मों से अपने आप को आगे बढ़ाना उचित है, दान कर्म उचित है, दान में अहंकार का आना बहुत अनुचित है। द्विहेतु षडधिष्ठानाम षडंगम च द्विपाक्युक चतुष्प्रकारम त्रिविधिम त्रिनाशम त्रिनाशम दान्यमुच्यते। दान का थोड़ा होना या बहुत होना अबुधय का कारण नहीं होता, अपितु श्रद्धा और शक्ति ही दान की वृद्धि और क्षय का कारण होते हैं। यदि कोई बिना श्रद्धा के अपना सर्वस्व भी दे दे अथवा अपना जीवन ही दे दे तो भी वह उसका फल नहीं पा सकता, इसीलिए दान केवल और केवल श्रद्धा के साथ होना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म का साधन किया जाता है, धन की बहुत बड़ी राशि से नहीं। अगर दान करना है तो दधीची मुनि जैसा दान करो, अपना सर्वस्व निछावर करके भी मानव समाज को एक दिशा देने के लिए, मानव समाज को एक संरक्षण देने के लिए और मानव समाज के हित में दान करने के लिए। अगर अपने आप को अगर कुछ बनाना ही है तो भक्त बनाओ ना, इस निमित संसाधन के राजा हो तो, और वो तो सर्वपरि सर्व संपत्ति का महाराज है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया। अगर मांगना है तो लोग उनसे ही मांगे, अपने आप को साधन समझकर बस ये कार्य करो ना, देखना तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा, शांत मन से सैया पर निंद्रा प्राप्त करोगे और महाराज जीवन में सुख शांति बहुत मायने रखती है। सुख शांति समृद्धि सतपथ आध्यात्म, यही सब तो पथ हैं जो हमें इस मानव शरीर में पाने हैं, प्रभु को पाना ही तो हमारा परम लक्ष्य है, और एक दिन तो हम सब छोड़कर चले जाएंगे, हम पूरा जीवन धन बचाते रहे और एक दिन ये शरीर ही छूट गया, सारा धन इसी धरती पर रह गया, जो सबसे बड़ा कंजूस वही सबसे बड़ा दानी हो गया। महाराज आप चिंता ना करें और प्रभु के शरण में आए, प्रभु का हृदय बहुत विशाल है। आप ठीक कहते हैं फकीर जी, मेरे आंखों पे अहंकार का पर्दा पड़ा था। मंत्री जी, फकीर बाबा को हमारे राज्य का राज पुरोहित बनाया जाए,
फिर वही गलती महाराज, मैं किसी पद में फंसने नहीं आया, हम तो फकीर हैं महाराज, आज यहाँ कल वहाँ, आप अपने राज्य को बस सद्भाव से चलाइए, जो इच्छा ईशु ईशु प्रभु मोर मनोने ईशु ईशु प्रभु मोर मनोने सदा आमी चेयाछि तुम्हारे पथपाने सदा आमी चेयाछि तुम्हारे पथपाने ईशु ईशु प्रभु मोर मनोने ईशु ईशु प्रभु मोर मनोने चाहि ना को धन मान चाहि ना को बरदान चाहि ना को धन मान चाहि ना को बरदान चाहि शुधु करुणा पेते तुम्हारे ध्याने चाहि शुधु करुणा पेते तुम्हारे ध्याने सदा आमी चेयाछि तुम्हारे पथपाने ईशु ईशु प्रभु मोर मनो ईशु ईशु प्रभु मोर मनोने কত যুগ কত কাল কত সন্ধ্যা সকাল কত যুগ কত কাল কত সন্ধ্যা সকাল এসে কেঁদে চলে গেছে জলে ভাসি নয়নে এসে কেঁদে চলে গেছে জলে ভাসি নয়নে সদা আমি চেয়ে আছি তোমারই পথ পানে ईशु ईशु प्रभु मोर मनोने ईशु ईशु प्रभु मोर मनोने सदा आमी चेयाछि तुम्हारी पथ पाने सदा आमी चेयाछि तुम्हारी पथ पाने ईशु ईशु प्रभु मोर मनोने ईशु ईशु प्रभु मोर मनोने ईशु ईशु प्रभु मोर मनोने।